एक बूंद भी स्पर्म के अंदर जाने से क्या बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो सकता है? इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल आते हैं कि कुछ मात्रा में ही स्पर्म अंदर गया और अब जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आ गया है, तो अब हम इस प्रेगनेंसी को रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते? बच्चा जो है वो फिजिकली मेंटली अच्छे से सही होगा या फिर एबनॉर्मल होगा, हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के काफी आपके मन में डाउट्स होते हैं, तो आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाते रहती हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए एक बूंद भी स्पर्म काफी है। जी हाँ, देखिए, जब रिलेशन बनाता है पुरुष और फीमेल के अंदर जो स्पर्म है वो डाले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि काफी स्पर्म निकल के कुछ स्पर्म तो आपके जो योनि मार्ग है वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ आधे रास्ते में खत्म हो जाएंगे, काफी मिलियंस में स्पर्म अंदर जाते हैं, है ना। जब एक बार आप रिलेशन बनाते हैं, ऑर्गेज्म होता है, तो कुछ ही स्पर्म जो है ट्यूब तक यानी नली तक पहुंच पाते हैं। अब उनमें से भी जो सबसे फास्ट स्पर्म होता है, सबसे फास्ट स्पर्म ही अंडे तक पहुंचता है और अंडे के अंदर घुसता है। और एक स्पर्म जब अंदर घुसता है उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है। कुदरत ने इस तरीके से बनाया हुआ है, अब रास्ता बंद हो गया, अब कोई भी स्पर्म वहां पे आसपास के जो भी स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, सबके सब वापस आ जाएंगे और डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से चलता है प्रोसेस। अब एक स्पर्म अंदर गया और यहाँ पे प्रेगनेंसी आपकी लग गई, तो एक स्पर्म ही काफी होता है, हालांकि एक स्पर्म ही चाहिए होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, बाकी सबके सब वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा मात्रा में स्पर्म अंदर छोड़ रहे हैं तो ही हम प्रेग्नेंट होंगे। कई बार आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं और बोलते हैं कि हमने थोड़े देर के लिए अंदर जो है लिंग डाला था तो फिर उसके बाद बाहर निकाल दिया था, तो इससे प्रेगनेंसी लगने के चांस तो नहीं है। अगर अगर स्पर्म निकले होंगे तो बिल्कुल चांस है ना, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए एक स्पर्म की आवश्यकता होती है और एक अंडे की आवश्यकता होती है जो कि हेल्दी होने चाहिए, तो वहां से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। फर्टिलाइजेशन का काम होता है, फर्टिलाइजेशन में 5-7 दिन लगते हैं, उसके बाद लुढ़क के जो बच्चा है वो आपके बच्चेदानी की दीवार से आके चिपक जाता है और वहां पे अपनी जगह बनाता है। पूरे 9 महीने तक वहां पे उसको पोषण मिलता है, बच्चा ग्रो होता है, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और ये जो प्रेगनेंसी रहती है, जैसे कि आपने बोला कि बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं होगा, फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से फिट तो होगा ना, तो बिल्कुल फिट होगा, अब नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका डाउट क्लियर किया कि एक ही स्पर्म चाहिए होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, हेल्दी होना चाहिए और जो महिला का ओवम है वो भी हेल्दी होना चाहिए, वहां से आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रोथ होते रहेगी, है ना। अगर उनमें भी खराबी होगी उस स्पर्म में या फिर अंडे में, तो वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी नहीं, मिसकैरिज हो जाता है। इसलिए मिसकैरिज होता है शुरुआती दिनों में, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण ही शुरुआती दिनों में मिसकैरेज हो जाता है। अगर वो स्पर्म और ओवम की क्वालिटी सही नहीं होगी, कुदरत उसको पहले ही निकाल देगी, जिसे मिसकैरेज बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो बच्चा आगे चल के भी विकलांग पैदा होता है, इसलिए जो नेचर है वो पहले ही उसको निकाल देती है, कोशिश करती है उसको पहले ही निकाल दे, ताकि तभी मिसकैरेज फीमेल के होते हैं, है ना। फीमेल समझ नहीं पाती कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन कुदरत आपके साथ सही कर रही है। आगे चल के आप कितनी परेशानी झेलेंगी अगर आपको विकलांग बच्चा पैदा हो जाएगा, पूरी लाइफ भर आप परेशान रहेंगी, तो इसलिए ये चीजें पहले ही हो जाती हैं, मिसकैरेज हो जाता है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है फिर भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, इसी तरीके से यूनिक यूनिक सवाल पूछते रहिए, मैं उस पर वीडियो बनाते रहूंगी और आपकी हेल्प होती रहेगी और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही हमको चाहिए होता है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी ज्यादा मोटिवेशन इसी से हमको मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।